इस सेशन में हम बात करेंगे हु इज एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, कौन इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है अंडर जीएसटी लॉ। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ किया गया है, सर्टेन कंडीशंस है, उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही आप एलिजिबल होते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए। तो इसके रिगार्डिंग सेक्शन 16 जो है बेसिकली वो आपका गवर्निंग सेक्शन है जो बताता है कि कौन व्यक्ति जो है जीएसटी लॉ के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल है। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहां पर समझते हैं कि जीएसटी लॉ के अंदर बेसिकली क्या है। मैंने आपको बताया प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस किया कि 216 रुपीज की जो आपकी आउटपुट लाइबिलिटी है उसमें से आप 180 रुपीज का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेते हैं, उसके बाद 36 रुपीज की आपकी जो पेमेंट है वो आपको गवर्नमेंट को करनी होती है। तो इन तीनों ही बातों को जो है अगर मैं बात करूं जीएसटी लॉ के अंदर कुछ इस तरह रखा गया है कि ये जो 216 रुपए की आपकी आउटपुट लाइबिलिटी है इसको लाइबिलिटी लेजर में शिफ्ट किया जाता है। जीएसटी पोर्टल पर एक लाइबिलिटी लेजर क्रिएट किया जाता है और उस लाइबिलिटी लेजर के अंदर जो भी आप सप्लाई करते हैं उस सप्लाई पर जो भी आप टैक्स चार्ज करते हैं वो आपका लाइबिलिटी लेजर में जो है शिफ्ट कर दिया जाता है। और इसी तरह जो आप परचेज करते हैं गुड्स या फिर सर्विसेज और जो टैक्स आप पे करते हैं रिगार्डिंग दीज गुड्स और सर्विसेज वो इनपुट टैक्स आपके क्रेडिट लेजर के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है, दैट इज 180 रुपीज। और डिफरेंस अमाउंट जो आपको पे करनी होती है वो पे करते हैं आप बैंक अकाउंट के जरिए। तो ऐसे में 36 रुपीज का जो बैलेंस है वो आप बैंक अकाउंट के जरिए पे करेंगे। बैंक अकाउंट से वो अमाउंट पहले कैश लेजर में शिफ्ट होती है और कैश लेजर से 36 रुपीज की पेमेंट गवर्नमेंट अकाउंट में कर दी जाती है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तीन तरह के लेजर जो है वो जीएसटी पोर्टल पर मेंटेन किए जाते हैं। तो अगर हम बात करें होलसेलर की तो इस होलसेलर के रिगार्डिंग भी जो है तीन तरह के लेजर जो है जीएसटी पोर्टल पर मेंटेन किए जाएंगे और जो भी आउटपुट लाइबिलिटी होगी वो लाइबिलिटी लेजर में शिफ्ट होगी और जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा वो क्रेडिट लेजर में शिफ्ट होगा और उसके बाद जो डिफरेंस अमाउंट पे की जाएगी बैंकिंग चैनल के जरिए वो कैश लेजर में शिफ्ट होगी और वहां से गवर्नमेंट अकाउंट में पे कर दी जाएगी। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो हमें कहां से मिलेगा, थ्रू क्रेडिट लेजर। और इसके रिगार्डिंग भी बताया गया कि जो भी व्यक्ति इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करेगा, जो भी व्यक्ति इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करेगा, फॉर एग्जाम्पल हमारे केस में जो होलसेलर है जो 180 रुपीज का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना चाहता है तो उसके लिए उसे क्या करना होगा, उसे जीएसटी रिटर्न्स फाइल करनी होगी, जीएसटी रिटर्न्स फाइल करनी होगी। और इस जीएसटी रिटर्न्स में वो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या करेगा, डिक्लेयर करेगा, डिक्लेयर हिज इनपुट टैक्स क्रेडिट। और इस रिटर्न से यह जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है क्रेडिट लेजर के अंदर शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब यहां से अगर आप एक बात समझने की कोशिश करें कि जो जीएसटी रिटर्न्स है वो सिर्फ वही व्यक्ति फाइल कर सकता है जो जीएसटी लॉ के अंदर रजिस्टर्ड हो, जो जीएसटी लॉ के अंदर रजिस्टर्ड हो। मान लीजिए मैं हूं और मैं जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं हूं तो क्या मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट ले पाऊंगा, द आंसर इज नो। क्यों नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए मुझे जीएसटी रिटर्न्स फाइल करनी होगी, जीएसटी रिटर्न्स के जरिए वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रेडिट लेजर के अंदर शिफ्ट किया जाएगा और उसके बाद ही जो आपकी लाइबिलिटी है उससे आपका क्रेडिट लेजर एडजस्ट होगा और बैलेंस अमाउंट आपको कैश लेजर के जरिए पे करनी होगी। तो इसका मतलब सीधी सी जो एक कंडीशन निकल के आती है अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो आपका जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड होना जरूरी है फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। इट मीन्स एक अनरजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी लॉ के अंदर एलिजिबल नहीं है इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए। तो सेक्शन 16 की अगर आप
कंडीशंस को चेक करेंगे, तो सबसे पहले सबसेक्शन वन अगर हम डिस्कस करें तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, जो सबसेक्शन वन स्टार्ट होता है वहां पर सबसे पहले कहा गया है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शेल शेल बी एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स चार्ज ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू हिम। जो भी गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई उसे दी गई है उस पर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल होगा, लेकिन कंडीशन क्या है, वो रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। तो इसका मतलब जो मैंने अभी तक डिस्कस किया कि कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी लॉ के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकता, आपका जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। और कैसे मिलेगा ये क्रेडिट, इन दी मैनर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 49। सेक्शन 49 में बताया गया है कि आप किस तरीके से ये इनपुट टैक्स क्रेडिट लेंगे। तो सेक्शन 49 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 49 में वही बात बताई गई है कि आप एक रिटर्न फाइल करेंगे, उस रिटर्न के अंदर आप अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट डिक्लेयर करेंगे और वहां से वो पैसा जो है, वो अमाउंट जो है आपके क्रेडिट लेजर के अंदर शिफ्ट कर दी जाएगी और उसके बाद ही जो है आप अपनी आउटपुट लायबिलिटी को उस क्रेडिट लेजर से एडजस्ट कर पाएंगे। तो यहां पर सेक्शन 49 सबसेक्शन 2 आप रीड करेंगे, द इनपुट टैक्स क्रेडिट एज सेल्फ असेस्ड इन द रिटर्न ऑफ ए रजिस्टर्ड पर्सन शेल बी क्रेडिटेड टू हिज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो अपनी रिटर्न के अंदर अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट डिक्लेयर करेगा और वहां से वो पैसा जो है उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो है शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए आपको क्या करना होगा, रिटर्न फाइल करनी होगी और रिटर्न फाइल करने के बाद वो पैसा जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में शिफ्ट होगा। अगर हम बात करें कौन सी रिटर्न फाइल करनी होगी, तो यहां पर GSTR 3 भी एक रिटर्न है जो आप फाइल करेंगे फॉर अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। हालांकि जीएसटी रिटर्न्स चैप्टर को जब हम डिस्कस करेंगे तो वहां पर डिटेल में जब हम GSTR 3B को डिस्कस करेंगे तो वहां पर फिर से यही बात आएगी कि कैसे आप GSTR 3B के जरिए इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करेंगे। इसी तरह जो आप बैंक से पेमेंट करेंगे वो आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में शिफ्ट होंगे। द अमाउंट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कहां से आएगा पैसा, आपके बैंकिंग चैनल से। उसके अलावा अब सेक्शन 16 में कहा गया कि ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आप यूज करेंगे इन द मैनर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 49, ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज कर लेंगे। आपको सेक्शन 49 में बताया गया है कि आपको किस तरीके से यह इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है यूटिलाइज करना है। तो सबसे पहली बात यहां पर कही गई कि जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर जो पैसा है वो आप सिर्फ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पे करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो हमारे एग्जाम्पल में क्या था, 216 रुपीज जो अमाउंट थी वो क्या थी, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी थी। इट मींस उसको पे करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए ये जो सप्लायर है, इस सप्लायर को जीएसटी लॉ के तहत कुछ इंटरेस्ट पे करना है, कुछ लेट फीस पे करनी है, कुछ पेनल्टी पे करनी है, तो क्या ये इंटरेस्ट पेमेंट के लिए, लेट फीस पेमेंट के लिए, पेनल्टी पेमेंट के लिए ITC यूज कर सकता है या नहीं? बहुत सारे लोग इस सवाल का आंसर ही नहीं दे पाते, जबकि सेक्शन 49 में आप देखेंगे साफ साफ कहा गया है कि द अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर मे बी यूज फॉर मेकिंग एनी पेमेंट टूवर्ड्स आउटपुट टैक्स अंडर दिस एक्ट। सिर्फ और सिर्फ आउटपुट टैक्स के लिए आप ये ITC यूज कर सकते हैं। इसका मतलब कोई इंटरेस्ट, कोई पेनल्टी, कोई लेट फीस या एनी अदर अमाउंट जीएसटी लो में अगर आपको पे करनी है तो आप ITC यूज नहीं कर सकते। तो सर उसकी पेमेंट कहां से होगी, उसके लिए बताया गया इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इट मींस
पेनल्टी लेट फीस इंटरेस्ट के लिए आपको बैंकिंग चैनल के जरिए ही पेमेंट करनी होगी। द अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर मे बी यूज्ड फॉर मेकिंग एनी पेमेंट टुवर्ड टैक्स, आप टैक्स की पेमेंट कर सकते हैं, इंटरेस्ट आप इंटरेस्ट की पेमेंट कर सकते हैं, पेनल्टी पेनल्टी की पेमेंट कर सकते हैं, फीस और एनी अदर अमाउंट पेबल, या फिर जीएसटी लॉ में कोई अदर अमाउंट आपकी कोई पेबल है तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, कैश लेजर यूज कर सकते हैं। क्रेडिट लेजर के अंदर आप देखेंगे सिर्फ एक ही वर्ड लिखा गया, आउटपुट टैक्स। इट मींस सेक्शन 49 के अंदर जो मैनर बताया गया कि आप आईटीसी यूज करेंगे लेकिन सिर्फ अपनी आउटपुट लायबिलिटी को एडजस्ट करने के लिए, कोई एनी अदर अमाउंट आपकी पेबल है, कोई इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, लेट फीस है, उसके लिए आप आईटीसी यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सेक्शन 49 में जो मैनर बताया गया है उसके अकॉर्डिंग ही आप आईटीसी यूज कर सकते हैं। सेक्शन 49 के अंदर और भी बहुत सारी बातें की गई हैं जिसको हम अपने आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कहा गया कि ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आप लेंगे सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस, इसमें कुछ कंडीशंस लगाई गई है, आपको वो कंडीशंस चेक करनी होंगी। अगर वो कंडीशंस आप पूरी कर लेंगे तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। वो कंडीशन बताई गई है सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के अंदर, सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 के अंदर, सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के अंदर। तो हम इन सभी सेक्शंस को जो है डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कंडीशंस है, और उन कंडीशंस को हम जब फुलफिल कर लेते हैं तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, हकदार हो जाते हैं। एंड सम रिस्ट्रिक्शंस, और कहा कि कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट पर हम रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, मींस वो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलेंगे ही नहीं। आपने मान लेते हैं मिस्टर एक्स से गुड्स परचेज की, मिस्टर वाई से गुड्स परचेज की, मिस्टर जेड से गुड्स परचेज की, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होगा मिस्टर जेड से जो आपने गुड्स परचेज की है उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलेगा ही नहीं। जो मिस्टर एक्स से आपने गुड्स परचेज की है, मिस्टर वाई से गुड्स परचेज की है, उनका क्रेडिट आपको मिल जाएगा, लेकिन मिस्टर जेड से जो आपने क्रेडिट लिया है उसका, जो परचेज ली है, जो गुड्स परचेज किया आपने या सर्विसेज ली है, उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। तो कुछ कंडीशंस है, अगेन रिस्ट्रिक्शंस है, उन रिस्ट्रिक्शंस को भी हम देखेंगे कि किस किस का हम क्रेडिट लेंगे, किस किस का क्रेडिट नहीं लेंगे। तो ये जो है कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस, ये जो है बेसिकली, अगर मैं रिस्ट्रिक्शंस की बात करूं तो सेक्शन 17 के अंदर जो है काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस बताई गई है कि कौन कौन सा इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, नहीं मिलेगा, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। और इसके अलावा रूल्स के अंदर भी कुछ कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस है, वो भी एप्लीकेबल होंगी। तो यहां पर देखने में इतना समझ में आ जाता है कि जीएसटी लॉ के अंदर अगर आप रजिस्टर्ड है तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल है, लेकिन कंडीशन ये है कि एक तो आपको जो आईटीसी मिलेगा उसका क्रेडिट मिलेगा एज पर सेक्शन 49, सेक्शन 49 में जो मैनर बताया गया है उसके अकॉर्डिंग ही आप उसका क्रेडिट ले पाएंगे। और कुछ कंडीशंस है सेक्शन 16 के अंदर, वो आपको पूरी करनी होगी। कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेंगे सेक्शन 17 में बताए गए हैं, वो आपको अलाउ नहीं होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट बताया गया कि ये जो गुड्स और सप्लाई आपने जो परचेज की है, रिसीव की है, जिन पर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल हैं, ये होनी चाहिए इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मींस बिजनेस पर्पस के लिए ये गुड्स और सर्विसेज आपने रिसीव की हुई होनी चाहिए। अगर आपने वो बिजनेस पर्पस के लिए अवेल नहीं की है तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। तो फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई गुड्स परचेज की अपने पर्सनल पर्पस के लिए, मैंने उन गुड्स को अपने घर पर कंज्यूम किया, और मैं क्या करता हूं उन गुड्स की परचेज करने पर जो मैंने टैक्स पे किया उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की कोशिश करता, तो यहां पर साफ साफ कहा गया है कि वो क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। तो विच आर यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस, या तो आप उसको बिजनेस के अंदर यूज करने वाले हैं या उस बिजनेस को आप एक्सपेंड कर रहे हैं, तो उस एक्सपेंशन में भी अगर आप उन गुड्स को या उन सर्विसेज को कंज्यूम करेंगे तो भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ किया जाएगा। एंड द सेड अमाउंट शेल बी क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ सच पर्सन। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो अमाउंट है ये आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर शिफ्ट कर दी जाएगी।
तो ये बात ऑलरेडी सेक्शन 49 में भी कही गई है, और इसके अलावा सेक्शन 41 है जो बात करता है अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो सेक्शन 41 में भी वही बात बताई गई है। बेसिकली सेक्शन 41 जो है रिटर्न्स चैप्टर से डील करता है, जो आपका जीएसटी रिटर्न्स के रिगार्डिंग जो चैप्टर है पूरा, उसके अंदर वन ऑफ द सेक्शन है सेक्शन 41। और सेक्शन 41 में यही बताया गया है कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आप ले सकते हैं, और इसके लिए आपको अगेन जो है रिटर्न फाइल करनी होगी, और उस रिटर्न के अंदर जो है आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो है शिफ्ट कर दिया जाएगा। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शेल सब्जेक्ट टू सच कंडीशन, तो कंडीशन मैंने आपको बताया सेक्शन 16 में बताई गई है, रिस्ट्रिक्शंस सेक्शन 17 में बताई गई है, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बी इंटाइटल्ड टू टेक द क्रेडिट ऑफ एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट एज सेल्फ असेस्ड। एक बात और आपको यहां पर ध्यान रखनी है, ये जो आईटीसी जो आप अवेल करेंगे, जो आप अपनी रिटर्न के अंदर डिक्लेयर करेंगे, जो आपके क्रेडिट लेजर में शिफ्ट किया जाएगा, ये आपको खुद ही कैलकुलेट करना है और खुद ही डिक्लेयर करना है, गवर्नमेंट आपको नहीं बताएगी, ये आपको जो है खुद ही असेसमेंट करनी है। मींस आपने जो जो गुड्स परचेज की है, जो जो आपने सर्विसेज परचेज की है, उसके रिगार्डिंग कितना कितना आपने टैक्स पे किया है, ये सारी कैलकुलेशन जो है आप करेंगे, और उसके बाद जो है अपनी रिटर्न्स के अंदर डिक्लेयर करेंगे। एंड इन हिज रिटर्न एंड सच अमाउंट शैल बी क्रेडिटेड टू हिज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, और ये जो है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अमाउंट शिफ्ट कर दी जाएगी। तो यहां पर सेक्शन 41 एंड सेक्शन 49 की रेफरेंस दी गई है फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। उसके अलावा द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई ऑफ गुड्स और बोथ द टैक्स पेबल वेयर ऑन हैज नॉट बीन पेड बाय द सप्लायर शैल बी रिवर्स्ड अलोंग विद एप्लीकेबल इंटरेस्ट बाय द सेड पर्सन इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो ये बेसिकली सेक्शन 16(2) के अंदर एक कंडीशन है, उसकी बात की गई है, जिसको हम अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक के लिए आपको इतना समझना है कि जीएसटी लॉ के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए आपका रजिस्टर्ड होना जरूरी है, सेकेंडली आपने जो गुड्स और सर्विसेज जो रिसीव की है ये आपके बिजनेस पर्पस के लिए होनी चाहिए इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, और जो है इसके लिए कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस आपको पूरी करनी है, जिनको हम अपने नेक्स्ट सेशंस में डिस्कस करेंगे। कुछ रिस्ट्रिक्शंस है जहां पर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, वो आपको ध्यान रखना है, गलती से भी वो इनपुट टैक्स क्रेडिट आप अवेल ना करें। और मैनर बताया गया है सेक्शन 49 के अंदर कि कैसे आप वो इनपुट टैक्स क्रेडिट यूटिलाइज करेंगे।